थॉर वर्सेस सुपरमैन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जब भी बात होती है फैंस हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। तो इससे पहले कि तुम लड़ना शुरू करो और अपने फेवरेट सुपर हीरो के सपोर्ट में कमेंट करो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन ऑफ क्रिप्टॉन यानी कि सुपरमैन के बारे में। तो देखो, मुझे सुपरमैन की ओरिजिन तक बताने की जरूरत नहीं है, आप में से लगभग सभी जानते ही होंगे। हम सीधे पावर्स के ऊपर जंप करते हैं। तो देखो, सुपरमैन एक एलियन है, उसे येलो सन से पावर्स मिलती हैं और सुपरमैन अपने बर्थ के थोड़े टाइम के बाद से ही अर्थ पर है और हमारे अर्थ के पास येलो सन है। डायरेक्टली बोलूं तो ये चीज सुपरमैन को अनइमेजिनेबल पावर्स देती है। इन्हीं पावर्स के कारण सुपरमैन को डीसी के गॉड तक का टाइटल मिला हुआ है। अगर बात करें सुपरमैन के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, सुपरमैन की स्ट्रेंथ किसी भी डीसी गॉड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। हमने मूवीज के अंदर सुपरमैन को स्पेस शटल को लिफ्ट करते हुए देखा है, एक शिप को खींचते हुए देखा है। इस जैसे सुपरमैन ने इतने सारे फीट्स अचीव किए हैं कि अगर तुम कॉपी पेन लेकर लिखने बैठोगे तो तुम घंटों तक यही लिखते रह जाओगे। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। सुपरमैन के ऊपर किसी भी ह्यूमन मेड वेपन लाइक गन्स, मिसाइल्स, बुलेट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तुम ह्यूमंस की वेपन्स की तो बात छोड़ो, सुपरमैन के ऊपर स्टीफन वुल्फ जैसे न्यू गॉड की एक्स तक कभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा सुपरमैन के पास सुपर स्पीड है, जो कि थॉर के खिलाफ फाइट में सुपरमैन को एक अपर हैंड देगी। सुपरमैन की स्पीड फ्लैश जितनी है या फिर उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा था कि जस्टिस लीग मूवी के अंदर सुपरमैन इजिली फ्लैश को देख पा रहा था और उससे फाइट भी कर पा रहा था, जिससे हम ये कह सकते हैं सुपरमैन की स्पीड फ्लैश जितनी तो है ही। इन सब के अलावा सुपरमैन के पास हीट विजन, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर स्मेल, टेलीकाइनेसिस जैसी काफी सारी पावर्स हैं। और हाँ, सुपरमैन के पास फ्लाइट एबिलिटी भी है, यानी कि सुपरमैन उड़ सकता है। इसके अलावा भी सुपरमैन के पास काफी सारी पावर्स हैं, जिनके बारे में अगर बात करने लगे तो 10-12 मिनट की वीडियो तो यूं ही बन जाएगी। तो पावर्स जानने के बाद हम सुपरमैन की वीकनेस की बात कर लेते हैं। तो देखो, सुपरमैन की एकलौती और एकमात्र वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। सुपरमैन की पावर्स जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर के बारे में। तो थॉर एक गॉड है, उसके पास लाइटनिंग की पावर्स हैं, उसके पास मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल वेपन्स लाइक म्यूनियर, स्टॉर्म ब्रेकर और थंडरबोल्ट हैं। ये इतने पावरफुल वेपन्स हैं कि जो कि पूरी की पूरी आर्मी को अकेले डिस्ट्रॉय करने की पावर्स रखते हैं। वहीं स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर की अलग यूनिवर्स चल रहा है, जहां थॉर ने हल्क जैसे इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर को ऑलमोस्ट बीट कर दिया था अगर बीच में ग्रैंड मास्टर इंटरफेयर नहीं करता तो। वहीं गॉडेस ऑफ डेथ हेला और थैनोस के सामने फाइट में थॉर ने अपनी प्योर ब्रूटल स्ट्रेंथ को दिखाया है, जिससे हमें पता चलता है कि थॉर की ब्रूटल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। और जहां बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, तो थॉर ने इस मामले में एक अलग ही फीट अचीव कर रखा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थॉर ने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया है। ये वही पावर स्टोन है जिसके मात्र एक टच से पूरा प्लेनेट हो जाता है। इसके अलावा भी उसने न्यूट्रॉन स्टार के कंबाइंड रेडिएशन को सर्वाइव किया हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि थॉर कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। उसकी ड्यूरेबिलिटी किसी भी मार्वल कैरेक्टर से बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। इन सब के अलावा भी थॉर के पास सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर स्पीड, फास्ट हीलिंग एबिलिटी, शार्प सेंसेस जैसी काफी सारी पावर्स हैं। थॉर की हीलिंग एबिलिटी भी अच्छी खासी है, यानी कि वो किसी भी ह्यूमन के मुकाबले अपने वुंड्स को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हील कर सकता है। इतना ही नहीं, थॉर अपने वेपन्स की हेल्प से फ्लाई कर सकता है, साथ ही साथ वो स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से टेलीपोर्ट भी हो सकता है। अगर बात करें थॉर की फिट्स की, तो थॉर बिना किसी वेपन के गॉडेस ऑफ डेथ हेला से फाइट कर चुका है, विदाउट एनी पावर स्ट्राइक से फाइट कर चुका है। यहां तक कि उसने थैनोस प्लस 6 इन्फिनिटी स्टोन को ऑलमोस्ट बीट कर दिया था। इन सब के अलावा थॉर के पास एक मेजर चीज ऐसी है जिससे वो किसी भी बैटल में एक अपर हैंड गेन करता है, वो ये है कि और हजारों सालों से जिंदा है और वो हजारों सालों से हजारों लड़ाइयां लड़ चुका है। उसने इतने विलन्स का सामना किया है, इतने एनिमीज से फाइट की है कि उसके पास एक अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी बैटल का पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है। सुपरमैन के साथ फाइट में उसका ये बैटल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन यही थॉर की एक मेजर वीकनेस आती है, जो कि उससे किसी भी बैटल में एक डिसएडवांटेज देती है। वो ये है कि थॉर जब भी गुस्सा होता है या फिर ज्यादा इमोशनल होता है, तो उसकी ये चीजें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर इफेक्ट डालती हैं। और हम सब जानते हैं किसी भी बैटल में अगर तुम किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दोनों की पावर्स और वीकनेस जानने के बाद हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से विनर कौन होगा। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थॉर की कंबाइंड ब्रूटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने थैनोस प्लस 6 इन्फिनिटी स्टोन को ओवरपावर कर दिया था। बट वहीं सुपरमैन स्ट्रेंथ के मामले में एक नेक्स्ट लेवल पर ही है। वहीं ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर ने पावर स्टोन और एक न्यूट्रॉन स्टन की एनर्जी तक को झेला है, बट सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी को डीसी के अंदर कोई भी मैच नहीं कर सकता है। और जब बात आती है स्पीड की, तो नो डाउट थॉर की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन सुपरमैन की स्पीड फ्लैश जितनी है या फिर उससे भी ज्यादा। तो सुपरमैन थॉर को स्पीड के मामले में इजिली बीट कर देगा। यहां थॉर के पास म्यूनियर, स्टॉर्म ब्रेकर और थंडरबोल्ट जैसे वेपन्स हैं, जो कि सुपरमैन के साइट में उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। बट अब यहां एक और सिनेरियो आता है कि अगर सुपरमैन को उसके वेपन से अलग करने में कामयाब होता है, तो थॉर के वेपन्स का
का यूज सुपरमैन थॉर के अगेंस्ट ही कर सकता है, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने किया था। थॉर के स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का यूज थॉर के अगेंस्ट, और अगर थॉर अपने वेपन से अलग होता है तो उसकी टेलीपोर्टेशन पावर्स और उसके फ्लाइंग एबिलिटी दोनों ही खत्म हो जाती है। सो सुपरमैन के पास यहाँ एक और अपर हैंड होगा, वो फ्लाई भी कर सकता है। अब यहाँ थॉर का सिर्फ एक चीज काम आने वाला है, उसका अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस। अब इस बैटल एक्सपीरियंस से थॉर सुपरमैन को हरा तो नहीं सकता, बट से काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा अगर थॉर के पास क्रिप्टोनाइट हुई तो। अगर क्रिप्टोनाइट थॉर के पास हुई तब तो भाई सुपरमैन के कोई चांस ही नहीं है बचने के, क्योंकि अगर क्रिप्टोनाइट तुम्हारे पास हो तो तुम जाओ सुपरमैन को मार के चले आओ। तो थॉर की पावर्स तो हम सब जानते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में यहाँ ये होगा कि सुपरमैन के पास हीट विजन है तो थॉर के साथ फाइट में उसका इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो मैं उन्हें बता दूं कि हीट विजन का इस फाइट में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं होगा, क्योंकि सुपरमैन के हीट विजन का थॉर के ऊपर ना के बराबर इफेक्ट होगा। क्योंकि जब थॉर न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को सर्वाइव कर सकता है तो हीट विजन का इफेक्ट उसके लिए नेग्लेक्टेबल होगा, और जो कुछ डैमेज उसकी बॉडी को उससे होगा, जो कुछ वुंड्स आएंगे, तो थॉर के पास हीलिंग एबिलिटी भी है जिससे वो उसे इजिली हील कर पाएगा। देखो अगर थॉर के पास क्रिप्टोनाइट होता है तो सुपरमैन को बीट कर पाएगा, अगर नहीं होता है तो वो सुपरमैन को बीट नहीं कर पाएगा। ये तो है मेरा ओपिनियन, बाकी तुम अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताओ। और अगर अभी तक तुमने थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम वाली वीडियो नहीं देखी, चैनल में जाके चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।